स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो गई है। चलिए देखते हैं कि किस फिल्म ने कौन सा अवार्ड जीता। स्पेशल जूरी अवार्ड शेरशाह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्शन डायरेक्शन अवार्ड मिला है RRR को। RRR के स्टंट कोरियोग्राफर किंग सोलेमन को अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड भी RRR को मिला है। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित को यह अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट का भी अवार्ड RRR को मिला है। स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर वी श्रीनिवास मोहन को यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड यह भी RRR को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का अवार्ड यह भी RRR को मिला है। RRR ने इस अवार्ड में झड़ी लगा दी अवार्ड पाने की। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये आर माधवन की मूवी है, वुड सेलेक्ट पर है। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन अवार्ड मिला है RRR को और इसके साथ साथ पुष्पा को मिला है ये अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ को। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला है सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ को। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी अवार्ड यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। द कश्मीर फाइल्स की पल्लवी जोशी को यह अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है भाविन राबरी को द चेलो शो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सनन को मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को गोदावरी के लिए, मराठी फिल्म है गोदावरी द हॉली वाटर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइस के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर।